अचलपूर विधानसभा निवडणूक करिता 39 उमेदवारांचे अर्ज दाखल, 30 अर्ज वैध ठरले. अचलपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आगामी निवडणुकीसाठी 39 उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखिल केला, त्यापैकी 30 उमेदवारी अर्ज वैध ठरले. काही उमेदवारांनी दोनदा उमेदवारी अर्ज दाखिल केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. अचलपूरचे उपविभागीय अधिकारी बळवंत आखरराव, तहसीलदार संजय गरकल, नायब तहसीलदार अक्षय मांडवे, मुख्य अधिकारी धीरज कुमार गोहाळ यांची उपस्थितीत नाम निर्देशन पत्राची छाननी करण्यात आली. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 4 नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. यानंतर अपक्ष उमेदवारांना निवडणूक चिन्हाचे वाटप करण्यात येणार आहे. 20 नोव्हेंबर ह्या मतदानाची तारीख निश्चित करण्यात आली असून 23 नोव्हेंबरला मतमोजणीचा निकाल जाहीर होणार आहे. अचलपूर विधानसभा मतदारसंघात 291,000 मतदार असून त्यापैकी 10,000 नवीन मतदार यावेळी प्रथमच मतदानाचा हक बजावणार आहे. यावेळी निवडणूक लढतीत परहार पक्षाचे बच्चू कडू आणि काँग्रेसचे बबलू देशमुख यांच्यात थेट लढत होण्याची शक्यता आहे. अचलपूरमध्ये या निवडणुकीचे वातावरण अतिशय रंजक असून परिस्थिती मतदार त्यांची उमेदवारीची निवडणूक कार्यक्रमाचे सखेल मूल्यमापन करत आहे. येणारे 23 तारखेला माहिती पडणार की कोण निवडून येणार आहे. विधानसभा क्षेत्र में हलचल, चुनावी हलचल देखने को मिल रही है. यहाँ पर अचलपुर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में 29 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख रखी गई थी, जिसके बाद जांच की जा रही है. आज नामांकन पत्रों की जांच की गई, उसमें सभी नामांकन पत्र को पात्र ठहराया गया है. उपविभागीय अधिकारी निवडणूक अधिकारी के रूप में यहां पर बलवंत अरखराव ये कार्य देख रहे हैं. उनके साथ ही अचलपुर के तहसीलदार डॉक्टर संजय गरकल और अचलपुर के मुख्य अधिकारी धीरज गोहाळ, ये इनकी मौजूदगी में ये नाम निर्देशन पत्र की जांच की गई, जिसमें सभी वैध. अभी तक अचलपुर विधानसभा मतदार संघ में 39 यानी 39 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिनकी जांच की गई है. कोई उम्मीदवारों ने डबल नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. और वैसा अगर उम्मीदवारों की संख्या देखी जाए तो यहां पर उम्मीदवारों की संख्या 30 है. अचलपुर विधानसभा मतदार संघ में मुख्य मुकाबला 3 पार्टियों के बीच में माना जा रहा है. यहां पर प्रहार संगठना के विधायक बच्चू कड़ू, कांग्रेस के बबलू देशमुख और भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण तायडे मुख्य उम्मीदवार के रूप में माने जा रहे हैं. चुनाव की सरगर्मियां दिन ब दिन तेज होती जा रही है. शासकीय प्रणाली जो है, शासकीय अधिकारी जो है, वो चुनाव के काम में जुटे हुए हैं. अचलपुर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में ये नाम निर्देशन पत्र की जांच की गई, इसके बाद सभी को वैध ठहराया गया है और नाम निर्देशन वापस लेने की प्रक्रिया जो है वो कल से जारी होगी और 4 नवंबर तक जो है वो नामांकन पत्र उम्मीदवार वापस ले सकते हैं. देखना यह है कि चुनावी मैदान में कौन रहता है और चुनाव में मुख्य मुकाबला किन पार्टियों के बीच, किन उम्मीदवारों के बीच होता है. सैयद असलम के साथ मोहम्मद अजमुद्दीन, न्यूज़ अचलपुर.